हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत सुंदर ब्लाउज बैक नेडियन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज कट कर लिया है। ये हमने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, इसकी हम डोरी बनाएंगे। अब मैं आपको उसका साइज बताती हूँ। देखिए, मैं 34 साइज का बना रही हूँ, तो मैंने 9 इंच ले लिया है और 2 इंच हमारा मार्जिन है। ये हम 16.5 इंच लिया है, 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड में जाएगा तो यह हमें 15 इंच आएगा। देखिए, शोल्डर हमने 7 इंच ले लिए, मुड्डे में 7 इंच लिए और इसमें हमने 1.5 इंच की गुलाई दी है। देखिए, शोल्डर से हम 3.5 इंच ले लेते हैं जो इसकी लंबाई है, वो हम 3.5 इंच लेंगे। फिर बॉक्स बना लिया हमने, हम 1 इंच की गुलाई देंगे। देखिए, सेम टॉप हम कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया है। देखिए, शोल्डर से हम 1 इंच ले लेते हैं इस तरह और 1 इंच में निशान लगा लेते हैं। और इस तरह एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम 1 इंच पर भी लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते। देखिए इस तरह, हमने दोनों लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस तरह हम अपना ब्लाउज खोलेंगे, सेम इस तरह कट कर लेते एक साइड। देखिए, इस तरह हमने कट कर लिया है। देखिए, इस तरह हम इसके लिए लंबी कैनवास और नेट पट्टी कट करेंगे इसके लिए। देखिए, इस तरह मैंने कैनवास खोल लिए और इसकी चौड़ाई लेंगे हम 1 इंच लेंगे। इस तरह हम 1 इंच में निशान लगा लेते हैं और इस तरह स्ट्रेट पट्टी कट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह मैंने कैनवास कट कर लिए, इसी तरह मैं स्ट्रेट पट्टी भी कट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह मैंने नेक पट्टी और कैनवास दोनों कट कर लिए। देखिए, हम नेक के लिए पट्टी कट करेंगे क्रॉस में, तो देखिए इस तरह मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह मैंने सारी क्रॉस में पट्टी कट कर ली, इसे हम ज्वाइंट करेंगे। अब हम डोरी कट करेंगे इसमें से। देखिए, इस तरह मैंने कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है। देखिए, जो इसकी चौड़ाई लेंगे हम 1.5 इंच लेंगे। इस तरह हम कट कर लेते हैं 1.5 इंच में। इसी तरह मैं एक पट्टी और कट कर लेती हूँ 1.5 इंच पे। देखिए, इस तरह मैंने कट कर ली है डोरी के लिए। अब मैं आपको इसका सिलने का मेथड बताती हूँ। नीचे मैं पट्टी रख ली है, इसको मैं कैनवास रखूंगी। इस तरह हम फोल्ड करेंगे जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसमें। देखिए, इस तरह मैंने दोनों पट्टियां तैयार कर ली हैं। अब हम डोरी तैयार करेंगे, इस तरह हम फोल्ड कर लेते इसे और 1/2 इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे। देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरह हम डोरी निकाली, मैंने बड़ी सुई ली है, इसमें धागा डाल लिया इसमें मैंने, और इस तरह हम बीच में डालेंगे इसके। देखिए, इसके अंदर इस तरह डालेंगे हम और उल्टी सुई हम इसके अंदर डालेंगे। इस तरह हम डोरी निकालेंगे इसकी। अब देखिए, इस तरह मैंने डोरी निकाल दी है, इसी तरह मैं दूसरी डोरी भी निकाल देती हूँ। देखिए, मैंने दोनों डोरी निकाल दी है, इसमें से हम लूप कट करेंगे। अब देखिए, इस तरह हम 2 इंच पे कट करेंगे। देखिए, इस तरह मैं सारी लूप कट कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह मैंने सारी कट कर ली है। देखिए, मैं नीचे ब्लाउज पीस रख लिया है और इस तरह हम जो लूप बनाई थी, देखिए ऊपर से हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह। इस तरह हम 1 इंच पे लगाएंगे। पट्टी तैयार की थी, इसे हम इस तरह रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, फिर इसके बाद हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह मैं 1.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। देखिए, इस तरह मैं निशान लगा लिए।
इस तरह हम लूप बनाएंगे और इस तरह हम लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी, इस तरह हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरह मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने ये भी तैयार कर लिया है सेम। देखिए इस तरह हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने सारी क्रॉस में पट्टी ज्वाइंट कर ली है। देखिए इस तरह हम डॉट फोल्ड करेंगे और पूरे राउंड में लगाएंगे हम। देखिए इस तरह मैंने पूरी सिलाई लगा दी राउंड में। इस तरह हम फोल्ड करेंगे, इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने सिलाई लगा दी नेक पे और नेक भी रेडी हो गया। अब हम नीचे फिनिशिंग और प्लेट डालेंगे। जो हमारा एक साइड का था उसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे, इसमें हम प्लेट डालेंगे। देखिए इस तरह, और इस तरह हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस तरह हम 3.5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। इसी तरह मैं दूसरी साइड में निशान लगा लेती हूँ। इसी में सेम निशान लगा लिया है। इस तरह हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच चौड़ी प्लेट डालेंगे हम। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस तरह हम फोल्ड करेंगे इसे हम। इस तरह मैं दूसरे में भी फिनिशिंग दे देती हूँ। देखिए इस तरह मेरी नीचे फिनिशिंग भी दे दी हमने दोनों में। देख सकते हैं दोनों प्लेट डाल दी हैं। हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। इसमें हम रेडीमेड डोरी डालेंगे। देखिए मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी दोनों में और देखिए मैंने प्लेट डाल दी दोनों। देखिए मैंने नेक भी तैयार कर लिया इसका, हमने लुक भी लगा दिया। अब हम रेडीमेड डोरी लगाएंगे। देखिए मैंने रेडीमेड डोरी ली है, इस तरह हम इसमें लगाएंगे। मतलब एक छोड़ के एक पे लगाएंगे। देखिए इस तरह मैंने एक साइड लगा दी, अब हम दूसरी साइड लगाएंगे। देखिए इस तरह। देखिए इस तरह मैंने लगा दिए, इस तरह हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे। इस तरह मैंने यहाँ गांठ लगा दिए। देख सकते हैं हमारी पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारी ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप भी सुंदर सी डिजाइन बना सकते हैं अपने ब्लाउज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।